या हसीबो, सबके लिए कफायत करने वाला। अगर कोई भी या हसीबो का विर्द करे और उसको किसी चीज़ का डर हो, मतलब ऐसा कोई खौफ है या गम है, कोई शर पसंद दुश्मन है, तो वो कोई ना कोई एक्टिविटी उसकी जो है वो चलती रहती है और वो कोई ना कोई अमल करके बुरा, तो वो किसी शरीफ आदमी को फंसाता हो, तो सुबह शाम हसबी अल्लाहुल हसीब इस तरीके से इसको पढ़ा जाए, तो इंशाल्लाह ताला इस अमल को करते रहने से वो जो शरीर किस्म का शख्स है वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। गम और मुसीबत से बचने के लिए हसबुनल्लाह व नेमुल वकील इसको कसरत से विर्द किया जाए, अल्लाह सुबहानो ताला उसकी तमाम दीनी व दुनियावी परेशानियां दूर फरमा देंगे। इसी आयत को रोज़ाना 450 मरतबा विर्द करना हर तरह की आफात, खतरात और मुसीबतों से निजात और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक्सीर है। जो कोई या हसीबों को 70 मरतबा पढ़ेगा इंशाल्लाह दुश्मन के शर से महफूज रहेगा। जो कोई या हसीबों को 70 मरतबा पढ़ेगा इंशाल्लाह दुश्मन के शर से हमेशा महफूज रहेगा। अगर कोई मुश्किल पेश आए तो एक हफ्ते तक रोज़ाना सुबह शाम 145 मरतबा या हसीबों पढ़ा जाए तो इंशाल्लाह मुश्किल आसान हो जाएगी। अगर किसी से हिसाब में तशद्दुद का अंदेशा हो या किसी भाई बरादरी से किसी मामले में खौफ हो तो 7 दिनों तक तुलुए आफ्ताब और ग़ुरूबे आफ्ताब से पहले 20 मरतबा या हसीबो पढ़ लिया जाए। या हसीबो ये 4 हरफों के ऊपर मुश्तमिल नाम है, ये उसके हाकिम अरबा अंसर हैं और ये पढ़ने का इसका समझें कैलेंडर है या जदोल समझ लें। तो ये मतलब जब भी नया चांद आए, तो इतवार के रोज़ अगर चांद आया तो या हसीबों को 80 मरतबा विर्द किया जाएगा। तो इस तरतीब से पढ़ते पढ़ते तो ये सारा 28 दिनों का ये पूरा एक चार्ट है, तो इंशाल्लाह ताला 28 दिनों के अंदर 23,980 इसकी मिकदार बनेगी। अगर कोई बामोकल इसको करना चाहता है तो इतवार के दिन का जो हाकिम फरिश्ता है या हसीबों का, तो सबसे पहले इतवार वाले दिन 80 मरतबा या हसीबों पढ़ के तो मरसज़ाईल 307 मरतबा इसको विर्द किया जाएगा। पीर के दिन का जो हाकिम फरिश्ता है ज़वाशाईल 1207 मरतबा, मंगल के दिन का जो हाकिम फरिश्ता है वह मखगाईल 1054 मरतबा, बुध के दिन का जो हाकिम फरिश्ता है कसमहाईल 155 मरतबा, जुमे रात के दिन का जो हाकिम फरिश्ता है रज़तनाईल 1550 मरतबा, जुमे के दिन का जो हाकिम फरिश्ता है दकोज़ाईल 830 मरतबा, हफ्ते के दिन का जो हाकिम फरिश्ता है तअकजाईल 102 मरतबा। तो ये या सीबो बा मोकल भी हो जाएगा। आगे अपना अपना मिजाज है, कोई करना चाहे तो कर ले, अगर कोई वैसे पढ़ना चाहता है तो वो जदोल है उसको देख के तो उस तरीके से इसको विर्द किया जाए।